मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए चार टिप्स मैं आपको बताऊंगा अभी। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हर एक को ऐसा चाहिए रहता है कि भाई मैं मेंटली एकदम बहुत तंदुरुस्त रहूँ, अलर्ट रहूँ, फिट रहूँ और हरदम संभावना में रहूँ। यूजली क्या होता है कि हमारा मूड जो है वो कुछ ना कुछ घटना होती है और हमारा मूड डाउन जाता है। हम रेसिग्नेशन के मोड में जाते हैं, क्रिटिसिज्म के मोड में जाते हैं, नाराजगी आ जाती है, उदासीनता आती है और फिर हम उतने प्रोडक्टिव रहते नहीं, उत्पादन क्षमता जो है उत्पादकता नहीं रहती, उत्पादन क्षमता नहीं रहती है। तो हरदम एनर्जेटिक रहना, उत्साही रहना, प्रोडक्टिव रहना, मेंटल हेल्थ अच्छी होना, उसके लिए क्या करें तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है कि आपके मन में जो भी चल रहा है वो आप शेयर करो। शेयरिंग जो है वो बहुत बड़ा एक ऐसा हथियार है कि जिसमें आप लोगों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो, मेरे जीवन में आओ और मेरे जीवन का एक हिस्सा बनो। जब आप किसी को आपके जीवन के बारे में बताते हो अपना दुख भी हल्का हो जाता है और उसके जीवन में भी फिर आप जा सकते हो, वो भी उसके जीवन में आपको समा लेता है और दोनों आप फिर एक हो जाते हो। तो शेयर करो, जो भी कुछ है आपको शेयर करो। इतना ही ध्यान में रखना है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपको चाहता नहीं है, जो मालूम है कि ये मेरे फेवर का नहीं है, ये अपना मतलब उल्टा पुल्टा अपने बारे में बोलता है, करते रहता है और जो ऐसा नोन है, तो फिर उसके पास में शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर नंबर दो ये है कि अपने पॉजिटिव के ऊपर फोकस करो। अपने पास में जो है उसके ऊपर आप फोकस करो। हमारा फोकस कहाँ रहता है कि जो नहीं है उसके बारे में, जो तकलीफ है उसके बारे में, और जितनी भी तकलीफ है उसके बारे में हम फोकस करेंगे तो वो तकलीफ ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जाती है। हम क्या करते हैं, हमको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, जो हमारे पास में है उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं और जो नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मेरा लड़का मेरा मानता नहीं है तो वो सोचेंगे, मेरा लड़का पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाता नहीं है तो सोचेंगे, मेरा धंधा बराबर चलता है तो वो सोचेंगे, मुझे आज ऑर्डर नहीं मिलेगी तो वो उसके बारे में सोचेंगे। तो जब कभी टेंशन एंग्जाइटी भरी आती है तो हम क्या करते हैं कि जो हिस्सा चलता नहीं उसके बारे में तुरंत हम सोचना चालू कर देते हैं और फिर वो वरी ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है। तो हरदम जो मेरे पास में है और जो है पॉजिटिव है उसके बारे में सोचो, जो अपने असेट है उसके बारे में सोचो, तो आपको अच्छा लगना चालू हो जाएगा और उसको कैसे बढ़ाना है वो देखो। नंबर दो। नंबर तीन, हरदम सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहो। ऐसा बोला जाता है कि आप 5 शराबी लोगों के पास में आप रहते हो, उनके कंपनी में आप रहते हो, आप 6 महीने रहो और 6 महीने बाद में वो 5 के बाद में आप भी 6वें शराबी हो जाएंगे। या 5 नालायक लोगों के साथ में आप रहो और आप उनके साथ में रहते हो तो आप भी नालायक बन जाओगे। तो वैसा है ये कि आप जिनके भी साथ में रहते हो तो आप ऐसे बन जाते हो। तो हरदम आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो सकारात्मक लोग होना चाहिए, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, संभावना की बातें करते हैं, उनके साथ में आपने होना चाहिए। और वैसे ही आपने मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो देखना है, किताबें पढ़ना है, रोज कम से कम आधा घंटा आपने उसमें बिताना चाहिए। तो ये तीसरी बात हो गई। पहला है शेयर, नंबर दो है पॉजिटिव बातों के ऊपर फोकस, तीसरा वातावरण और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो, ताकि आपका जो होना है आपकी संभावना जो है हरदम सकारात्मक रहेंगी। और चौथा है लोगों के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करो, जो भी जितना भी कर सकते हैं लोगों को देना चालू करो। नहीं नहीं मेरे पास में तो मैं लोगों को क्या दूँ, जो भी आपके पास में उसमें का कुछ ना कुछ हिस्सा लोगों को दो। आप लोगों को टाइम दे सकते हैं, आप लोगों को पैसा होगा तो पैसा दे सकते हैं, आप अनाज दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, उनके साथ में बैठ सकते हैं, उनके जीवन में जा सकते हैं, कुछ समय आप उनके साथ में बिता सकते हैं, आप उनका दुख बांट सकते हैं, जो भी कुछ है आप उनके लिए करते हो, उनके ऊपर फोकस रखते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं तो डिप्रेशन के पेशेंट को हरदम बोलते रहता हूँ कि आपको दवाई लेने की वैसी जरूरत ही नहीं है। यदि वो न्यूरोटिक डिप्रेशन है या रिएक्टिव डिप्रेशन है तो कि भाई आप दवाई मत लो, आप सिर्फ आज से लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चालू करो, लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करो, आपका डिप्रेशन निकल जाएगा। तो ये 4 बातें आप करते हैं। पहला है शेयरिंग करो, नंबर 2 है पॉजिटिव फोकस करो जो भी अच्छी बातें आपके पास में हैं, नंबर 3 मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो और मोटिवेशनल मोटिवेट करने वाले लोगों के साथ में रहो, और नंबर 4 लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करो। तो ये करते तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और एक आप बहुत आगे बढ़ने वाले सफल इंसान हो जाएंगे। हमारा
ऐप है वो आप प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोडिंग है, उसके ऊपर आप चैटिंग कर सकते हैं, कुछ वीडियोस है वो आप ले सकते हैं ऑनलाइन, और आपको कुछ सवाल होंगे तो आप नीचे नंबर जो दिया है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।